हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बेसन और अंडे की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने जा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक कप बेसन और चार अंडे लिए हैं। अंडे को बेसन में फोड़ के डाल लेंगे और अंडे डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा मरीच का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और एक टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चार से पाँच मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, दो हरा मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसको दो से तीन मिनट अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको तलेंगे। तो तलने के लिए बैटर तैयार हो चुका है। अब एक पैन लेंगे और पैन में तेल रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें बैटर को छोटे छोटे करके ऐसे डालेंगे। आप छोटे बड़े आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जैसे इच्छा हो। गैस को अभी हम लो फ्लेम पे रखे हुए हैं। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे करके दो मिनट इसको पकाएंगे। दो मिनट पकाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद दो मिनट इसको पकाएंगे। दो से तीन मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से। अंडे और बेसन का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार यदि बना के आप खा लेंगे मेरे तरीके से तो क्या बोले, मटन चिकन को भी भूल जाएंगे, उसका भी स्वाद भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये अच्छे से फूल चुका है बहुत ही। इसको फिर से पलट लें। बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है, पक चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और जो बचा हुआ है सेम तरीके से उसको भी तल लेंगे। तो अब सभी को तल चुके हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तीन चम्मच तेल डालेंगे, दो तेज़पात डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे और दो बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को डाल करके अच्छे से भुनेंगे। दो मिनट भुनने के बाद इसमें दो बड़ा टमाटर डालेंगे कटा हुआ, एक टीस्पून जीरा मरीच का पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, दो टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और दो चम्मच
लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। डालने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भूनेंगे, और फिर भूनने के बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक को अच्छे से मिला लेंगे। सौ ग्राम दही डालेंगे। दही डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसमें दही डालेंगे 100 ग्राम, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। मसाला को अच्छे से भुनेंगे 5 से 6 मिनट, ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पे भुनना है 5 से 6 मिनट। अंडा और बेसन का ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा। सच में मैं बोल रही हूँ, इसको खाने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना स्वादिष्ट लगता है कि मटन चिकन का भी स्वाद भूल जाएंगे आप। ये काफ़ी तेल छोड़ चुका है, पक चुका है, अब इसमें पानी डालेंगे, 1/2 लीटर पानी डालेंगे। और पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तो ये पकौड़ा को डालेंगे। और पकौड़ा को डालने के बाद 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे अच्छे से। ग्रेवी गढ़ा रखना है। इसको अच्छे से पकने देंगे। ग्रेवी काफ़ी गढ़ा हो चुका है, इसमें धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है अभी। पक चुका है, गैस को कर देंगे बंद। गरम गरम के चावल के साथ, गरम गरम चावल के साथ आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।